हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का त्यागपत्र। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उल्लेखनीय है कि हजारों छात्र व उपद्रवियों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका और प्रधानमंत्री आवास गढ़ भवन पर कब्जा कर लिया है। ये छात्र काफी समय से जो है वो आरक्षण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। अब यहां पर एक तो बात क्या हमें क्लियर हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास का नाम क्या है, गढ़ भवन है, और किस वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा ये भी क्लियर है, क्योंकि आरक्षण विरोधी आंदोलन वहां चल रहा है। शेख हसीना त्यागपत्र देकर भारत आ गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है। यहां से हमें एक बात और क्लियर क्या होती है कि बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। शेख हसीना जो है वो जनवरी 2024 में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी थी, और कुल मिलाकर वो पांचवीं बार प्रधानमंत्री बनी थी। शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। उपद्रवियों ने उनकी मूर्ति को भी तोड़ दिया है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।